राज, ये क्या है? मैं तब से बक बक किए जा रही हूँ और तुम हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। क्या? What? तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं ये देख रहा हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो हर पत्नी अपने पति से करती है। नहीं, हर पत्नी अपने पति के लिए वो सब नहीं करती जो तुमने मेरे लिए किया, मेरे खातिर किया है। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? देखो ना, मोहिनी को जानने के बाद तुमने उसकी हर बात इतनी खूबसूरती के साथ अपना लिया, उसी की तरह कान के बूंदे पहना, उसी की तरह आंखों में काजल लगाया, और अब तो तुमने मोहिनी का चेहरा भी अपना लिया। क्यों? तुम्हें ये चेहरा पसंद नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये चेहरा मेरा गुजरा हुआ अतीत है। मैं मानता हूं कि मैं मोहिनी से बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था उसे, लेकिन वो मेरा गुजरा हुआ कल है। आज मैं सिर्फ प्रीति को चाहता हूं और बहुत प्यार करता हूं मैं प्रीति से, इसलिए प्लीज मोहिनी बनकर मेरे प्यार की सच्चाई को झुठलाने की कोशिश मत करो। मैं प्रीति को चाहता हूं, मोहिनी को नहीं। राज, I really, really, really love you. I love you too, Preeti. I love you too. आप नहीं जानती मुझे किस लिए हॉस्टल भेजा गया था। मेरी बड़ी बहन शीतल की शादी टूट चुकी थी, उसके सारे सपने बिखर गए थे। प्रिया माँ बाबा से झगड़ा करके चली गई थी अपने हस्बैंड के घर। उसने माँ बाबा की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और वो लोग काफी दुखी थे। मेरे छोटे भाई कुणाल की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी और ऐसे में मेरे घर वालों के सारे सपने अब केवल मुझे पर टिके थे। बड़ी उम्मीद लेकर उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजा था ताकि घर पे रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और मुझे भी कितना अच्छा लगा था इस हॉस्टल में आकर, मुझे तो जैसे एक नई दुनिया मिल गई थी, एक नई दोस्त मिली थी सलोनी के रूप में। तो तुम मोना हो? मुझे तो लगता है तुम्हारे फादर काफी अजीत की फिल्में देखते होंगे, इसलिए तुम्हारा नाम मोना डार्लिंग रखा है। नहीं, ये नाम मेरे बाबा ने नहीं, मेरी बड़ी बहन शीतल ने रखा था। ओ वाओ, तुम्हारी बड़ी सिस्टर भी है? मैं ही अनलकी हूँ, ना ही मेरी कोई सिस्टर है ना ही कोई ब्रदर। क्या तुम अकेली हो? हाँ, बिल्कुल अकेली। कभी नहीं। क्या? हाँ, तुम्हारे रहते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? चलो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन किस लिए? क्लास अटेंड करने। क्या तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इतना लंबा सफर तय करके आ रही हूँ, चलो ना। लेकिन पहले ये कमरा ठीक कर लेते हैं। यार छोड़ो, ये भी कोई कमरा है ना ही कायदे का फर्नीचर ना एसी। इतनी गर्मी हो रही है, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन यहाँ टिक पाऊंगी। हाँ, लेकिन अब तो हमें इसी कमरे में रहना है ना। हाँ, अपनी तो किस्मत ही ऐसी है कि अब यही रहना पड़ेगा। लेकिन मोना, एक बात बताऊं, मैंने पहले कभी इतना फर्नीचर हॉस्टल नहीं देखा। क्यों? क्या इससे पहले भी तुम हॉस्टल में रह चुकी हो? हाँ मेरी जान, मैं तो बचपन से ही बोर्डिंग हाउस में रहती आ रही हूँ और अब अपना बैग और बैगेज लेके यहाँ आ गई। मुना, मुझे तो लगता है इस फर्नीचर हॉस्टल का सबसे सड़ा हुआ कमरा हमें ही दिया है। सलोनी, ऐसा क्यों कहती हो? हम खुद भी तो इस कमरे को साफ सुथरा करके सुंदर बना सकते हैं। हाँ, अब हम हॉस्टल में यही काम करने आए हैं। लेकिन सलोनी, ये हमारा ही कमरा है और अपना काम करने में शर्म कैसी? ओ बुड्ढी अम्मा, आप लेक्चर देना बंद करेंगे या मेरे साथ में चलेंगी? नहीं, मैं तो सफाई करूंगी। उफ, अब मुझे लगता है ये मैडम मुझसे झाड़ू भी मरवाएगी। चलो सलोनी, शुरू हो जाओ, बोलिए क्या काम करना है। इससे पहले मैं हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी।
रैकिंग क्या होती है ये उस दिन पता चला जिस दिन तानिया और उर्मिला पहली बार हमारे कमरे में आई थी। हाय फ्रेशर्स, हाय, वेलकम टू आवर हॉस्टल। हाय बेब, व्हाट्स योर नेम? मी? यस बेबी, आई एम सलोनी अरोरा। Sauli Saloni Arora from New Delhi, right? Right. So Saloni Arora, तुम्हें अभी तक हॉस्टल के रूल बुक नहीं मिले? No. इसको नहीं मिला इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि सीनियर्स के सामने यूं बैठा नहीं करते। Go on, stand up. चलो उठो। अरे वाह उठो। But why? आहा, look at her. अच्छी ड्रेस पहनी है क्या लग रही है तुम क्या किसी क्लब में डांस करती थी? What? What do you mean? अरे बाबा सिर्फ पूछ रहे थे पूछ भी नहीं सकते क्या और तुम्हें पता नहीं ऐसे ड्रेसेस पहना नहीं करते सीनियर्स के सामने कुछ तो कदर करो सीनियर्स की कुछ तो कदर करो कॉलेज के रेपुटेशन की हॉस्टल के रेपुटेशन की। ओके ओके नो प्रॉब्लम अब तुम सीधी खड़ी हो जाओ कम ऑन गेट अप चलो तानिया ने खड़े होने को कहा है खड़ी हो जाओ लेकिन क्यों तुम्हारी हाइट नापनी है चलो खड़ी हो जाओ चलो तुम्हें दूसरे सीनियर से मिलाते हाँ चलो क्या हुआ इतनी देर क्यों लगा दी कुछ नहीं लेकिन वो लोग तुम्हें ले क्यों गई थी क्या किया उन्होंने कुछ नहीं ये सब तो चलता ही रहता है क्या चलता ही रहता है कम ऑन यार देयर आर सीनियर्स और हॉस्टल लाइफ में तो ये सब होता ही रहता है देख सलोनी तू पहेलियां मत पूछा मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं क्या हुआ कुछ नहीं उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है तुम पहले किस हॉस्टल में रहती थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है हाँ और उन्होंने ये भी पूछा कि तुम्हें डांस और गाना आता है कि नहीं फिर क्या मैंने उन्हें कह दिया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं यार लेकिन जब उन्होंने क्या क्या किया उन्होंने छोड़ना तुझे अच्छा नहीं लगेगा सुनकर क्यों तू मुझे बताओ तो सही छोड़ना यार मुझे भी सब कुछ याद नहीं करना है बट आई टेल यू दे आर नॉट गुड गर्ल्स वॉट हाँ सभी न्यू कमर्स के साथ में ये सब ऐसा ही कर रही थी और अगली टारगेट तुम हो क्या हाँ सैटरडे को तुम्हारा टर्न है सलोनी सलोनी क्या वो वाकई आएंगी हाँ कहा तो था तो फिर अब तक अरे यार छोड़ ना तू क्यों टेंशन ले रही है आना होगा तो आ जाएंगी सलोनी बोलो क्या करेंगी
तेरी आरती उतारेंगे। अरे यार मोना, तू तो ऐसे डर रही है जैसे वो तेरी रैगिंग नहीं तेरी जान लेने वाले हो। सलोनी प्लीज मजाक मत कर, मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। बता ना सलोनी, वो क्या करेंगे? मैंने कहा ना कुछ नहीं। वैसे एक बात कहूं, उस समय मेरी भी ऐसी ही हालत थी। सच बताओ तो मैं भी डर गई थी, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है इसमें डरने वाली बात कोई नहीं थी। इसीलिए तू भी मत डर और जो भी होगा उसे स्पोर्टिंगली पेश कर, ओके? लेकिन सलोनी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग अपना इरादा बदल दे और आ जाए ही नहीं। मेबी वो भी सकता है, लेकिन आज मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो सब यहाँ ना आए, क्योंकि तुम्हारी जो हालत है। सलोनी प्लीज मुझे डरा मत, ओके? हेलो मोना डार्लिंग, कौन तुम्हें डरा रहा है? सलोनी? अरे सलोनी तुम अपने रूममेट को डरा रही हो, बहुत बुरी बात है। चलो मोना हमारे साथ। ये सलोनी बहुत बुरी लड़की है, यहाँ मत बैठ। कम ऑन, ये तो आप देख क्या रही हो, कम ऑन। बाय सलोनी। हाय फ्रेंड्स, ये है हमारी नई शिकार। ओ शराब, ये है मोना हमारी नई जूनियर। हाय मोना डार्लिंग, पर तेरा रॉबर्ट कहाँ है? रॉबर्ट गया है मोना के लिए सोना लाने। Hey, come on, keep quiet. हम लोग मोना को यहाँ परेशान करने नहीं, अपनी नई दोस्त बनाने लाए हैं, है ना मोना? Come on, फिर बैठो 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 बैठो। सिगरेट पियोगी? इसमें इतना डर क्यों रही हो आप? तालियां शुरू करें। Why not? अरे बाबा डरो मत प्लीज, हम कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाले। It's just a simple game. और मुना, ये गेम के रूल्स तो सुन लो। इस गेम में जो भी हारेगा उसने जो भी पहन रखा है उसमें से एक एक चीज उतार के यहाँ नीचे रखनी पड़ेगी, राइट गर्ल्स? या। और इसमें ये नियम जो है सब पे लागू होता है, इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं। कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो फिर मोना मुझे बताओ तुम किसके साथ खेलना पसंद करोगी? डरो मत, बताओ इसके साथ या इसके साथ या वो। ओके मोना, हमारे साथ खेलो, कोई इतराज तो नहीं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट अप, चलो कम। Come on. बताना चाह पर कुछ भी नहीं बता पाई, आपके कहने पर भी नहीं। मोना, ए मोना जी, क्या सोच रही हो?
कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। घर की याद आ रही है? देखो मोना, तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा जैसे मुझे एक छोटी बहन मिल गई है। मेरी कोई बहन नहीं है। एक बात बताओ, मैंने सुना है कुछ दिनों से तुम्हारे हॉस्टल में काफी रैगिंग हो रही है, कहीं उस वजह से तो तुम परेशान नहीं हो ना? नहीं मैम। श्योर? जी। देखो मोना, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताना, एक बड़ी बहन समझकर, ठीक है? अरे यार, मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे जोक सुनाती हो। बस क्या, उर्मी इतना भी नहीं जानती अपने दोस्त के बारे में? क्यों, मैं कहाँ ना, मत जाओ। ए सलोनी, इधर आ। हाय। हाय। कहाँ जा रही है तू? अपनी सीनियर्स के पास? तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो सब अच्छी लड़कियां नहीं हैं। तेरा सीनियर्स। सलोनी। मैं भी आ। हाय। हाय आलिया। How are you? I'm fine. फिल्म की टिकट लाई? हाँ हाँ बिल्कुल। टिकट्स मैं लाई हूँ। क्यों? मैं अपने सीनियर्स का इतना कहा भी नहीं मानूंगी। नाइट शो की टिकट्स लाई हूँ और रात का डिनर भी मेरी ओर से। That's like a disciplined junior. इसके साथ हमारी खूब चलेगी ना? मोना, मोना क्या कर रही है तू? वहां से क्यों चली आई? हाँ अरे तू तो रो रही है, तू क्यों रो रही है बताना, क्या हुआ? नहीं बताएगी? मुझे मालूम है तू मुझसे नाराज है, लेकिन ऐसा मैंने क्या किया? कुछ नहीं। देख मोना, तू खामखा नाराज हो रही है। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुझे उन्हीं के साथ रहना, मेरे पास क्यों आई है? अरे ये क्या बोल रही है? तू मेरी रूममेट है, मेरी दोस्त है। कोई दोस्त वोस्त नहीं है तू मेरी। तू जा यहाँ से प्लीज। क्या बोला तूने? तेरा दिमाग तो ठीक है? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब है। हाँ ऐसे ही है, वरना तुझे इस कॉलेज के लाइफस्टाइल से इतनी परेशानी नहीं होती थी। तुझे पहले दिन से ही समझा रही हूँ कि ये हॉस्टल है, हमारा घर नहीं। अगर इस हॉस्टल में रहना है तो हमें हमारे सीनियर्स की बात माननी ही पड़ेगी। उनसे पंगा लेकर हम यहाँ एक दिन भी नहीं रह पाएंगे तो वापस चले जाएंगे। बिल्कुल बेवकूफ है तू। वैसे तो इतनी ऊंची ऊंची बातें किया करती थी कि लाइफ में मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। क्या हुआ, कैसे करेगी? वापस घर जाके? देख मोना, मेरी बात मान ले, ये एटीट्यूड छोड़ और अपने सीनियर से हाथ मिला ले। मैं उनकी बात हरगिज नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कह तो दिया, पर मुझे पता नहीं था कि आने वाला पल मेरी जिंदगी बदल डालेगा बहुत बुरी तरह से।